ज आज हम बात करने वाले हैं जी सॉक यानी गूगल समर ऑफ कोड के बारे में अब जी सॉक के बारे में, बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि जी सॉक इज नॉट अबाउट कंपटीशन इट इज अबाउट कोलैबोरेशन गूगल अपनी वेबसाइट पे खुद लिखता है कि जी सॉक का जो मेन मोटिव है वो नए लोगों को यानी नए कॉन्ट्रीब्यूटर्स को इन्वाइट करना है टू द वर्ड ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसीलिए हमसे अभी हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मोटिव यह हो कि हमें जी सॉकॉक के अंदर जाने को अच्छा खासा स्टाइप अमाउंट हमें मिलेगा विच इज ऑब्वियसली ट्रू क्योंकि जी सॉक के अंदर स्माल प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया के हमें फिफ्टीन हंड्रेड यूएस डॉलर्स मिलते हैं और लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए हमें थ्री थाउजेंड यूएस डॉलर्स मिलते हैं विच अमाउंट्स टू मोर देन टू पॉइंट फोर लाख रुपीज बट हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए के अंदर जाने का वो है है और और अब आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे सबसे पहला जीसॉक एक्जैक्टली exactly है क्या एंड दूसरा अगर हमें एज अ स्टूडेंट जीसॉक के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा अब सबसे पहले बात करते हैं जीसॉक के बारे में जी सॉक विच इज गूगल समर ऑफ कोड एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है ओपन सोर्स प्रोग्राम कहने का मतलब है कि इसके अंदर हम तीन महीने के लिए ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे अब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हमारे नॉर्मल टेक प्रोजेक्ट जैसे ही होते हैं बस ये प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन लेकर आती है मतलब ये प्रॉपर कंपनी लेवल प्रोजेक्ट होते हैं जैसे प्रोजेक्ट्स हमें इंटर्नशिप के अंदर मिलते हैं वैसे से ही ये प्रोजेक्ट्स होते हैं तो इंटर्नशिप टाइप एक्सपीरियंस ही मिलता है हमें इनफैक्ट अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलता है क्योंकि वर्ल्ड के डिफरेंट डेवलपर्स के साथ हम इंटरेक्ट करते उनसे बातचीत करते हैं उनके कोडिंग प्रैक्टिस के बारे में हम सीख रहे होते हैं तो यहाँ पर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स कहने का मतलब है ऐसे जिनका करने का मतलब है कि उन प्रोजेक्ट के अंदर नए फीचर्स को एड करना उनके अंदर बग्स ढूंढ निकालना या फिर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग बग्स हैं तो बग्स को फिक्स करने के लिए कोड लिखना तो काफी अच्छा खासा प्रोग्राम है ओपन सोर्स डेवलपमेंट करने के लिए

से गूगल का भी फायदा होता है क्योंकि उन्हें भी काफी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं डेवलपर्स मिल जाते हैं जिनको वो फ्यूचर में देख सकता है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के के लिए बाकी GSOC के अंदर कोई गारंटी नहीं होती कि हमें बाद में जाकर फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी क्या या गूगल हमें बाद में कॉन्टेक्ट करेगा क्या तो यहाँ पे मेन मोटिव हमारा यही होना चाहिए कि जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वहां से हम अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर जाए और वहां पर जो मेंटेनर्स काम कर रहे हैं उनके साथ हम अच्छी नेटवर्किंग कर अब के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए मेन क्राइटेरिया यही है कि हमारी एज एटीन प्लस होनी चाहिए

तो उनको भी हम चेकआउट कर सकते हैं या फिर अगर हमें देखना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए थे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट अब वैसे तो जीसॉक का जो प्रोग्राम है वो ऑफिशियली 12 वीक्स का होता है बट हमारी जो एप्लीकेशंस होती है वो और पहले से सबमिट होनी स्टार्ट हो जाती है जी जीसॉक के अंदर लेट फेब्रुरी के अंदर गूगल बताता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस साल के लिए है आप इनके प्रोजेक्ट्स को जाकर देख सकते हो तो फेब्रुवरी से लेकर मार्च तक हमें उन प्रोजेक्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट करना होता है एंड उसके बाद हमें अपनी एक एप्लीकेशन जिसको हम प्रपोजल भी कहते हैं जीसॉक का वो सबमिट करना होता है जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर सके कि उन्हें कौन कौन से स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करना है अब जीसॉक की जो टाइमलाइन है उसको समझने के लिए तीन स्टेप्स हैं सबसे पहला गूगल हमें बताएगा ये ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है इस साल दूसरा हम एज अ स्टूडेंट उन ऑर्गेनाइजेशन का कोड चेकआउट करेंगे उनके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर हम अपना प्रपोजल सबमिट करेंगे कि ऐसे ऐसे हम काम करेंगे

लर्निंग को कोई भी ट्यूटोरियल कोई भी कोर्स रिप्लेस नहीं कर सकता तो हमें तो खुद मेहनत डालनी ही पड़ेगी चीजों को सीखने के लिए अब अपना कॉलेज चैनल के ऊपर इन सारी की सारी की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ कुछ हमने वन शॉर्ट डाले हुए हैं दे कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप वहां से स्टार्ट करना चाहते हैं इन को सीखना चाहते हैं नहीं तो जिन भी रिसोर्सेज से आपको अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है आप वहां से जाकर इनको सीख सकते हैं अब टेक्नोलॉजी और टेक स्टैक को एक्सप्लोर करने के बाद सेकंड चीज जो हमें आनी चाहिए वो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम वीसीएस के अंदर हम गिट गिट हब गिट लैब इस तरीके की काफी सारी चीजें हैं जो सीख सकते हैं बट इसमें एज अ कॉलेज स्टूडेंट हमारे लिए सफिशिएंट होगा कि अगर हम सिर्फ गिट एंड गिट हप के साथ ही स्टार्ट करते तो गिट एंड गिट हप क्या होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम का क्या मतलब होता है इसे हम सीख कह सक सकते हैं उसके बारे में प्रॉपर हमने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है उसको जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उसमें एंड टू एंड आपका कंप्लीट वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको सिखाया गया है वो अपना कॉलेज चैनल के ऊपर ही आपको अवेलेबल मिल जाएगा थर्ड चीज़ जो हमें करनी है वो है टू गेन ओपन सोर्स एक्सपीरियंस अब हम किसी ओपन सोर्स प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हैं तो उससे पहले हमें बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कि ओपन सोर्स है क्या हम उसमें कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन करने का मतलब क्या होता है तो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए अब उसमें एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम गिठअप के ऊपर जाए वहां पे अकाउंट बनाएं और फिर रैंडमली प्रोजेक्ट्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये चीज भी वर्कआउट करती है एंड दूसरा एक थोड़ा सा बेटर थोड़ा सा पैरल तरीका ये होगा कि हम जीसॉक की वेबसाइट के ऊपर ही जाएं और उनका ये जो प्रोजेक्ट्स वाला पेज होता है जिसमें पिछले साल के पुराने प्रोजेक्ट्स वो दिखाते हैं हम चाहें तो 2023 के प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं या उससे पहले साल के भी जाके प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं इसमें जिस भी टेक्नोलॉजी को हमने सीखा है हम उस टेक्नोलॉजी को सर्च कर सकते हैं जैसे फॉर एक्जाम्पल मुझे जावा आती है

तो उसके लिए इस इश्यू पे काम करना अच्छी शुरुआत हो सकती है तो इस तरीके के इश्यूज को हम पहले सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे अपने इश्यूज का या अपने फीचर्स का हम लेवल अप करेंगे अब ये जो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का पूरा प्रोसेस है इसमें मान लेते हैं अगर हमें कभी भी हम कहीं तक हो जाते हैं हमारे पास कुछ एरर आ रहा है तो सबसे पहले तो सेल्फ हेल्प से घबराना नहीं है कभी भी कोई एरर आता है किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर तो सिंपली हम जाके गूगल कर सकते हैं मैक्सिमम एरर्स हमारे वहीं से सॉल्व हो जाते हैं दूसरा अगर आपके कॉलेज के अंदर कुछ सीनियर्स हैं या आप किसी को जानते हैं या हर प्रोजेक्ट की अपनी एक कम्युनिटी होती है हो सकता है उन्होंने स्लैक का कोई चैनल बनाया हो डिस्कॉर्ड पर कोई चैनल बनाया हो टेलीग्राम का कोई ग्रुप बनाया हो जिस पर लोग बात करते हो वहाँ पर आप हेल्प मांग सकते हैं तो हेल्प मांगने से कभी भी घबराना नहीं बिकॉज ओपन सोर्स कम्युनिटी के अंदर लॉट ऑफ गुडल आपको एंड यहां परिब्यूट करें तो इसलिए कॉन्फिडेंटली बढ़ना है आगे एंड स्मॉल स्टेप के साथ हमें आगे बढ़ना है तो जैसे ही हमारे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हम गेन कर लेंगे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का उसके बाद आएगा हमारा फोर्थ स्टेप फोर्थ स्टेप बेसिकली तब स्टार्ट होगा जब गूगल अनाउंस कर देगा कि ये ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इस साल जी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही होंगी तो आप इनके प्रोजेक्ट्स एंड कोड जाके चेकआउट कर सकते हो अब यहां पर दो केसेस हो सकते हैं सबसे पहला तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम पहले से एक दो महीना पहले से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे वही शॉर्टलिस्ट हो जाती है एंड दूसरा केस हो सकता है कि कोई नए ऑर्गेनाइजेशन है जो आ जाती है जिसमें हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो इस साल जी के अंदर आई नहीं अब दोनों ही केसेस के प्रोज एंड कॉन्स दोनों अवेलेबल हैं कुछ लोग आपको कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली पार्टिसिपेट करती है जी के अंदर उन्हीं के अंदर आप कॉन्ट्रीब्यूट करो तो इस साल भी उनके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे तो वहां पर हो सकता है आप उसी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप पहले से जानते हो प्रोजेक्ट को तो आपको एज मिल जाएगा दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि जो नई ऑर्गेनाइजेशन होती है क्योंकि उनके अंदर जनरली स्टूडेंट्स कम पार्टिसिपेट करते हैं पुरानी वालियों के अंदर ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो यहाँ कॉम्पिटिशन कम होते हैं तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं सिलेक्ट होने के तो दोनों के ही प्रोज दोनों के ही कॉन्स है मैक्सिमम जिस चीज पर हमें फोकस करना है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन चाहे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नई ऑर्गेनाइजेशन हो अब जनरली जीसॉक के अंदर सिर्फ एक प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट हमें नहीं करना कोशिश करनी है हम एटलीस्ट दो प्रोजेक्ट्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करें ताकि हमारा थोड़ा बैलेंस बना रहे हमारे थोड़े चांसेस बने रहे दोनों के अंदर ही और जब भी हम कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमें फोकस करना है कि प्रोपोजल यानी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनके कोड के बारे में और उनके इश्यूज के बारे में अच्छी खासी क्लैरिटी होनी चाहिए और वो जो हमें टाइम मिलेगा करीबन एक महीने का जो हमारे पास टाइम होगा उसके अंदर जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंटर्स हैं उनके साथ हम कम्युनिकेट करें वो जो भी उनके डिस्कॉर्ड या स्लैक चैनल्स हैं उन पर जाएँ वहाँ पर उनसे बातचीत करें समझे प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा एंड एक अच्छी रेप्यूटेशन वहाँ पर अपने लिए सेटअप करें क्योंकि अगर हमारी क्रेडिबिलिटी

आपने अच्छे से किया है तो फिर आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस अच्छे हैं पर उसमें थोड़ा सा वेटेज हमारे प्रपोजल का भी होता है इसीलिए एक अच्छा प्रपोजल लिखना भी इंपॉर्टेंट है प्रोपोजल के अंदर हम अपने बारे में बताते हैं अपने के बारे में बताते हैं हम बताते हैं क्यों हम फिट हैं इस प्रोजेक्ट के के लिए और साथ के साथ आगे जाके हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है इसीलिए काफी सोच समझ हमें अच्छे से अपने प्रोजेक्ट्स को ले डाउन करना है और जितना अच्छे से हम प्रोजेक्ट को समझेंगे उतना अच्छे से हम उसके लिए प्रोपोजल लिख पाएंगे अगर जी सो प्रपोजल के बारे में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं तो ये हमारे फाइव स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके हम अपनी जी सॉक की जर्नी को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं और ज्यादा एक इंप्रूव्ड वर्जन लेकर आ सकते हैं अब लास्ट में एक चीज हमेशा याद रखनी है इवन दो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा मैटर करते हैं हमारी मेंटर्स के साथ ट्यूनिंग क्या है वो काफी ज्यादा मैटर करती है हमारा प्रोपोजल मैटर करता है हमारी स्किल्स मैटर करती है सारी चीजें हैं पर छोटा सा पोर्शन हर जगह लक का भी आ जाता है कभी कभार ऐसा भी ईयर हो सकता है जिसमें जीसॉक में काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन आई पर उतना बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो वहां पर आपके चांसेस इंक्रीज हो गए और यहीं पर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है लेकिन अगर हम अच्छे से अपने डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देंगे अच्छे से अपनी स्किल बिल्डिंग के ऊपर टेक्नोलॉजी

next video until then keep learning and keep exploring